कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है, इसे अन्नकूट भी कहते हैं। दिवाली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस त्यौहार का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने देवों के राजा इंद्र का घमंड चूर करने और गोकुल के लोगों की उनके क्रोध से रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। ऐसे में आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है। इससे पहले जान लें गोवर्धन पूजा की तिथि और पूजा कब है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 नवंबर को 4:18 से शुरू होकर 15 नवंबर को दोपहर 2:42 तक है। गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:18 से 8:43 तक है। ये पर्व दिवाली पर्व के अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन गोधन यानी गाय की पूजा की जाती है, इसलिए गौशालाओं में भी इस पर्व को मनाया जाता है। मान्यता के मुताबिक आपको बता दें कि गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से शुरू हुई। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। ये पर्व उत्तर भारत में खासकर मथुरा क्षेत्र में बहुत ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण के लिए मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का संबंध भगवान कृष्ण से जुड़ा है। इसकी शुरुआत भी द्वापर युग में हुई थी, लेकिन इससे पहले ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। तभी भगवान ने ये बताया कि आप लोग इंद्र की पूजा करते हैं, इससे कोई लाभ नहीं होता है, इसलिए आपको गोधन को समर्पित गोवर्धन पर्वत पर जाकर गोवर्धन पूजा करनी है। भगवान कृष्ण की बात मानकर लोगों ने इंद्र की पूजा करनी बंद कर दी और गोवर्धन पूजा करने लगे। तभी इस बात से क्रोधित होकर इंद्र ने भारी बारिश की और लोगों को डराने का प्रयास करने लगे। इंद्र ने भारी बारिश करके पूरे गोवर्धन पर्वत को जलमग्न कर दिया और लोग प्राण बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। कृष्ण ने देखा तो वो इंद्र की मूर्खता पर मुस्कुराए और ब्रजवासियों को बचाने के लिए पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पर उठा लिया। भारी बारिश का प्रकोप लगातार 7 दिन तक चलता रहा और भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे छाता बनाकर बचाते रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की बूंद भी नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया है, तुम उनसे लड़ रहे हो। इस बात को जानकर इंद्रदेव को बहुत पछतावा हुआ और भगवान से क्षमा मांगी। इस बात के खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर ब्रजवासियों से आज्ञा दी कि अब से हर साल गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व उल्लास के साथ मनाओ। तब से लेकर आज तक गोवर्धन पूजा और अन्नकूट हर घर में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह उत्सव खुशी का उत्सव है और इस दिन जो दुखी रहेगा तो वो वर्ष भर दुखी ही रहेगा। इस दिन खुश रहने वाला व्यक्ति वर्ष भर खुश रहेगा, इसलिए गोवर्धन पूजा करना बहुत ही जरूरी होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।